एक गोली लगी थी उन्हें सर पर, दूसरी सीने पर, और फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा, देश का नाम किया ऊंचा जंग जीत कर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेजर जादूनाथ सिंह की। इस वीडियो को अंत तक देखिए इस वीर गाथा को जानने के लिए। जादूनाथ सिंह एक गाँव में उनकी बहादुरी के किस्से चारों तरफ थे। वो कुश्ती भी खेला करते थे। 1941 में उन्होंने सोचा कि भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। भारत आजाद हुआ तो उन्होंने भारत पाक बंटवारे का दंश भी देखा। ये दर्द कम होता इससे पहले अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। वे विरोधियों पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसी संघर्ष के बीच एक गोली उनके सिर पर आ लगी। वो संभलते इससे पहले दूसरी गोली उनके सीने के पार हो गई। दुश्मन को लगा वे जीत गए, मगर जादूनाथ ने तब तक बंदूक नहीं छोड़ी जब तक बैकअप टुकड़ी उनके पास नहीं पहुंच गई। तब तक उन्होंने कई दुश्मनों को गंभीर हालत में भी ढेर कर दिया था। 6 फरवरी 1948 को अपने वतन पर न्यौछावर होने के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों ऐसी और बहादुरी के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।